आज का जो मेरा विषय है वो जो शब्द है असल में उस पर कविता ही नहीं लिखी जा सकती। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं जो माँ पर कविता ही लिख सके। मैं तो बहुत सामान्य सी विद्यार्थी हूँ, मैं माँ पर क्या बोलूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जब माँ हमारे पास होती है तो शायद उसके होने का एहसास नहीं होता, और जब माँ नहीं होती जिंदगी क्या होती है। इस कविता के जरिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। कविता के शुरू में मैं एक कहानी कहती हूँ कि एक बार एक जंगल में एक संगीतकार मिदन बजाता था। मिदन एक वाद्य को कहते हैं। तो जब भी वो मिदन बजाता तो एक बकरी का बच्चा रोज वहां आकर खड़ा हो जाता। तो जो संगीतकार मिदन बजाता था तो उसने उस बकरी के बच्चे से पूछा कि तुझे मेरी सुर, मेरी ताल, मेरी लय इतनी अच्छी लगती है कि तू रोज यहां आकर खड़ा हो जाता है। तो बकरी का बच्चा बोला, ना मुझे सुर की समझ, ना मुझे ताल की समझ, ना मुझे लय की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो इस मिदन पर चमड़ा मंडा है वो मेरे माँ के शरीर से आया है, और जब इस पर थाप पड़ती है तो मैं आकर खड़ा हो जाता। दोस्तों, मेरी कविता भी मिदन पर पड़ी हुई थाप के भीतर से निकली हुई कविता है। इस कविता के माध्यम से यदि आपके आंसू बाहर की यात्रा करना चाहें तो करने दीजिएगा। कविता के शुरू में मैं एक शेर कहती हूँ कि किसी के हिस्से में दुखाई, किसी के हिस्से में मंगाई, मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माई। कल कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कोई रोक लेगा मुझे। कल कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो लगा कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा तुझे। मुझे लगा कोई कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा तुझे। मन में सोचा मां रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा मां रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, पर मुड़ के देखा क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हमारी ही तो बातें करती हैं मुझसे, अरे अब हमारी ही तो बातें करती हैं मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा, दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा, गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन मन इसी बात के लिए रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुमसे सारी उम्र लड़ता रहा, आज वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे, मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज भी मैं वही करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सुबह उठू ना कोई टोकने वाला नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सुबह उठू ना कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से आऊं तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा बार बार कहां चला। सच के साथ गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। कौन कहेगा इस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का।